2018 बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है और 2019 की भी शुरुआत होने वाली है, लेकिन इस दिसंबर का जो आखिरी महीना है ना, इसमें भी कई सारे ऐसे फोन है जो लॉन्च होने वाले हैं और कई सारे बड़े फोन अभी भी लॉन्च नहीं हुए इंडिया के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं ओप्पो के फोन की, जो कि लॉन्च होने वाला है 4 दिसंबर को और इस फोन का नाम है ओप्पो R17 Pro। और हाँ, इस फोन में आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलने वाला है, इसके अंदर आपको ट्रिपल कैमरास देखने को मिलने वाले हैं और स्नैपड्रैगन 710 का प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। और हो सकता है कि ये फोन आपको इंडिया में सुपर वूक चार्जिंग के साथ देखने को, यानी कि जो 50 वॉट की सुपर वूक चार्जिंग होती है ना, वो आपको ओप्पो R17 Pro में देखने को मिलने वाली है। बस देखना यही है कि ओप्पो इसे किस प्राइस पर लॉन्च करती है। और इसके बाद जो अगला फोन जो लॉन्च होने वाला है वो है नोकिया का X7, जो शायद इंडिया में नोकिया 8.1 बन के आए, ना कि नोकिया 7.1 जैसा हमें पहले लग रहा था। और ये फोन लॉन्च होने वाला है 5 दिसंबर को और इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 710 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, एंड्रॉइड 1 जो एंड्रॉइड ओरियो के साथ आएगा वो, और 6.18 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले और 12+13 मेगापिक्सल के रियर कैमरा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे। बस इस फोन का भी देखना है कि इस फोन की प्राइस क्या रहती है। अगर ये फोन 20,000 रुपए के आसपास आता है तो सच में काफी कलर फोन हो सकता है। और इसके बाद जो फोन आने वाला है वो है आसुस का जेनफोन मैक्स प्रो M2, जो शायद 11 या फिर 12 दिसंबर के आसपास लॉन्च हो सकता है। और इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूं, तो उस वीडियो को देख के आप इस फोन के बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वैसे नॉर्मली बात करें तो इसमें स्नैपड्रैगन 660 आने वाला है और इस फोन के अंदर आपको नॉच देखने को मिलेगा, 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस फोन की प्राइस आपको 15,000 या उससे कम देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा होता है ना तो सच में काफी कमाल की बात होगी। और इसके साथ ही 12 दिसंबर को OnePlus 60 अपना McLaren F1 एडिशन लॉन्च करने वाली है। एक्चुअली में OnePlus 60 तो लॉन्च हो ही गया था और उसका एक स्पेशल एडिशन आना बाकी था, और इस बार किसी फिल्म के साथ ना पार्टनरशिप करते हुए इस बार OnePlus ने पार्टनरशिप की है McLaren कार कंपनी के साथ, जो कि फॉर्मूला 1 की कार्स बनाती है और एक रेसिंग कार बनाने की कंपनी है। तो स्पेशल एडिशन आने वाले OnePlus 60 का, और हाँ आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, ये अभी तक का सबसे महंगा OnePlus का बनाया हुआ फोन होने वाला है। और इस फोन के अंदर आपको 10GB की रैम देखने को मिलेगी और 256GB का स्टोरेज देखने को मिलेगा। बाकी देखते हैं कि इस फोन को OnePlus आखिर किस प्राइस पर लॉन्च करती है। और इसके साथ ही एक और फोन है Samsung Galaxy A8s, ये सबसे पहला फोन होने वाला है जिसके अंदर आपको स्क्रीन होल या फिर मैं कहूँ पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। और ये फोन अभी पहले चाइना में लॉन्च होगा और उसके बाद ये फोन इंडिया में आएगा, लेकिन Samsung की तरफ से जो सबसे नई टेक्नोलॉजी थी जो की थी Infinity O डिस्प्ले, तो वो सबसे पहले Samsung Galaxy A8s में आ रही है। और इसके साथ ही स्नैपड्रैगन 710 वाला फोन होने वाला है और 6GB रैम के साथ आने वाला है फोन। और अगर हम स्क्रीन होल डिस्प्ले की बात कर ही रहे तो Huawei अपना Huawei Nova 4 लॉन्च करने वाली है, जिसके अंदर स्क्रीन होल डिस्प्ले के साथ ही ये फोन आएगा। बस देखना ये कि ये फोन पहले चाइना में लॉन्च होगा और उसके बाद ये फोन इंडिया में आएगा। और अगर हम Huawei की बात कर रहे हैं तो Huawei ने अभी रिसेंटली अपना Mate 20 Pro को लॉन्च किया था, और इसके बाद जो Huawei वो अपना Mate 20 X को भी लॉन्च करने वाली है। और ऐसी भी उम्मीद बताई जा रही है कुछ ही समय में Huawei का जो MateBook लैपटॉप आता है ना, वो भी आपको इंडिया में देखने को मिल जाए। तो दिसंबर के महीने में Huawei भी अपने नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकती है। इसके अलावा ऑनर की तरफ से भी फोन लॉन्च होने वाला है, और जो सबसे सरप्राइजिंग पार्ट है वो ये है कि लेनोवो का K5X, जो कि एक मिड रेंज फोन होने वाला है लेनोवो की तरफ से और जो कि आने वाला है स्नैपड्रैगन 636 के साथ। और अगर हम लेनोवो की बात कर ही रहे तो मोटोरोला की बात कैसे भूल सकते, तो मोटोरोला हो सकता है ग्लोबली अपना मोटो G7 या फिर G7 Play या G7 Plus, इनमें से कोई एक फोन या फिर तीनों ही फोन को ग्लोबली अनाउंस कर दे। और हाँ, इन फोन का जो लॉन्च होगा भी ग्लोबली होगा और इंडिया में इन फोन्स को आने में टाइम लगने वाला है। बाकी इतने फोन्स के अलावा और भी कई सारे फोन्स हैं जो 2019 के शुरू होने से पहले लॉन्च होने वाले हैं, और इस लिस्ट में गेमिंग फोन का नाम भी है जो 2018 के खत्म होने से पहले लॉन्च हो सकता है, और जो टक्कर देगा आसुस ROG को जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था। अब किस फोन का सबसे बेसब्री से इंतजार कर रहे हो ना, तो ये बात नीचे कमेंट में बताओ। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।